मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज पिया करो, ना, नहीं ना, 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 ना। पीना अच्छी बात नहीं है ना। अगर पीना है तो कीर्तन के जाम पीजिए, ये भगवान के नाम पीजिए। हालांकि कई लोगों ने पीने के बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या कहा बेटे? एक आदमी गया ठेके में, कहता है इंतजाम करो। अरे एक दो बोतल से कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा मैं खाना मेरे नाम करो। जब ये कहा तो ठेका में एक आदमी बैठा होता, वो दिखता नहीं, एक छेद होता, उसमें हाथ डाल के बोतल आती है। वो अंदर से जवाब दे रहा कि तुझको, अरे तुझको तो बनाना था खुदा को भट्टी शराब की, इंसाफ बना के क्यों तेरी मिट्टी खराब की। पीने वाला भी बिल्कुल इनकी तरह बेशरम था। कहने लगा कि अगर अगर मैं पीते पीते मर जाऊं मैं खाने में, तो तुझे कसम है ये मैं खाने की मिट्टी है, दफना देना मैं खाने में। सचदेवा जी, ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोर जानी। लेकिन मेरा खंडगी सुनेगा, सुनिए, आखिर पीने की बात मुझे मिली कहां? कहां? ऐसा किसी ने क्या पिया कि जिससे तहलका हो गया? सुनिएगा, एक बार राजा युवनास ने एक पुत्रेष्ट यज्ञ किया, और पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद महर्षियों ने अभिमंत्रित जल एक घड़े में भर कर वहीं पे यज्ञ मंडप पे रख दिया। राजा भी वहीं पे शयन कक्ष में सो गए जहां पे घड़ा रखा था। अचानक अचानक रात्रि में राजा को प्यास लगी, और राजा धोखे से वही जल पी गए। पीने के बाद देखिए हुआ क्या बने? अरे राजा की प्रवृत्ति हुई रानी जैसी।
ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, कीर्तन के बहुत अच्छे श्रोता भी हैं और बहुत अच्छे साउंड सिस्टम वाले भी हैं, साहू साउंड सिस्टम और साहू स्टूडियो लालगंज रायबरेली, इनकी तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद और ये पुष्पमाल मिला है। मैं सादर नमन करता हूँ कि आपका ऐसे ही प्यार सभी लोगों का मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे राजा की प्रवृत्ति हुई रानी जैसी, सचदेवा जी महाराज की अवस्था, अरे महारानी जैसी, ये महारानी जैसी, हाय महारानी जैसी, यूं शर्माए, अरे यूं शर्माए, ज्यों बहु रानी लाज रखो हे माता रानी। ये अवस्था हुई कैसे, कैसे पी गए राजा युवनाथ, अरे पी गए धोखे में राजा, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है राजा, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है राजा, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है राजा। और जब जल पी गए एक विशेषता मिलती है भैया हमारे सचदेवा जी, सुनिएगा विशेषता क्या मिल रही है। अभिमंत्रित पिया धोते से पानी, अभिमंत्रित पिया धोते में पानी, जल पीने से है हैरानी। तो राजा को हुआ, राजा को हुआ बेटा राजा, राजा थे उनको बेटा राजा भी हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा मानधाता। राजा को हुआ बेटा राजा, लाज रखो शिव संग में शिवानी, पी गए धोते में राजा, जल पीने से राजे, पी गए धोते में राजा, जल पीने से राजा को बेटा राजा तो हुआ। एक खासियत और इसमें छिपी है, राजा को हुआ बेटा राजा, वो ही राजा थे और वो ही रानी, क्योंकि राजा को ही पुत्र पैदा हुआ था। राजा को हुआ बेटा राजा, वो ही राजा थे वो ही रानी, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है रानी, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है रानी। और 201 रुपए का आशीर्वाद भैया राकेश यादव जी बकुआ खेड़ा बचुआ खेड़ा इनकी तरफ से आए हैं। यादव जी को सादर नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनेगा पी गए धोखे में राजा, पी गए देखो पानी, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से हैरानी, पी गए धोखे में राजा, जल पीने से भैया हमारे मानी सम्मानी परमादरणीय गौरव मेडिकल स्टोर
अकोहरी चौराहा उन्नाव, इनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। साधारण नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। माननीय सम्मानीय डॉक्टर राजेंद्र लोधी जी अकोहरी चौराहा 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। सादर नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। मैं टोक नहीं रहा हूँ, कुतर्क मत करा करें। ये बात सही, कुतर्क करने की आदत अच्छी नहीं होती है। जहाँ पर ऐसा जनमानस हो और इतना अच्छा मंच है तो वहाँ कुतर्क करने की जरूरत ही नहीं। और क्या, और जो भी आपने जवाब दिया, हालांकि आप अकेले इंसान है, मंडल चला रहे हैं तो परेशानी तो होती है। ये बात सही, वो भी हम जानते हैं। बेचारे ये अकेले मंडल चला रहे हैं और ढोलक मटर मोबाइल चला रहे हैं। भाजी थोड़ा स्पीकर से हट जाइए, अगर निवेदन कर रहे हैं आपसे। किड़बिड़ किड़बिड़ बजा रहे हैं। कलेजे में उतर जाएंगे। वाह वाह वाह, मुकेश भैया आदरणीय। लाल के बिन मां सदा अरे कंगाल होती है। अच्छा मुकेश भैया, आपने जो उत्तर दिखाई, भगवान के सब ईमानदारी से हमने कभी नहीं सुनी। ये बात सही, लेकिन मैंने जो धुन गाई आपने सुनी थी, खूब सुनी, और आपने मिश्रा जी के चरण बिछुए। वाह मिश्रा जी, आप अगर ना हो, ये बात सही, तो मंडल में रोचकता ना हो। वैसे आज आपको त्योहार मनाना चाहिए। मिश्रा जी हमारे बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार हैं। मुस्कुरा दिया ठीक, बस फिर आपने कुतर किया। बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, कहीं भी नहीं सकता हूँ, आप महान हस्ती। और क्या, हम लोग बहन। आपने कहा माता लक्ष्मी के पुत्र तो नहीं है, लेकिन क्या वो माँ नहीं है? ये बात मुकेश भाई, छोटी गाना मेरा कह रहा है, पहले मेरे गाने का भाव समझो। माँ है, आप लड़के के पक्ष से बोल रहे हैं, एक माँ के हृदय की बात जानिए। उसको सारी संपत्ति मिल जाए वो कंगाल है, माँ का असली धन है उसकी संतान, वरना लोग बांझ कहकर बुलाते हैं। भाई साहब, संतान हो चाहे पास कुछ ना हो, याद होता प्राण जिसने दुख उठाया था, वो तारा जिसके पास कुछ नहीं है अपने औलाद के सिवा, चीर कर सारी से सारी, एक टुकड़ा है साड़ी का, एक चीर कर सारी से सारी कर चुकाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वो माँ अपने संतान के लिए सारा सारी धन सारी संपदा लुटा सकती है। आपने कहा लक्ष्मी माँ नहीं है, बड़े भाई एक माँ ऐसी है जिसका विवाह भी नहीं हुआ, फिर भी लोग उसको माँ कहते हैं। वो माँ है वैष्णो माता, प्रेम से बोलो जय माता दी। वो माँ है वैष्णो माता जिसका विवाह भी नहीं हुआ तब भी लोग उसको माँ कहते हैं। ये बात, अब आप कह दो क्या वो माँ नहीं, वो माँ है, क्योंकि उसको माँ कहने वाले हमारी और तुम्हारी जैसी संतान है। मिश्रा जी कह रहे हाँ है। मुकेश भैया हमारे पैर भी पैर धर रहे हो, बताओ नारायण जी अभी चाय पी रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे पैर भी पैर न रखो। वो भी अकेले अकेले। बढ़िया आपने तर्क उतर किया है, गाना भी बढ़िया, जवाब आपने दिया है, ठीक है, बढ़िया। और एक आपने कह दिया कि सिर्फ दर्शन करने से फल नहीं मिलता, यूट्यूब चल रहा, मैंने केवल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैंने कहा आपने कहा स्नान करने से, मैंने कहा उनके दर्शन करने से भी मुक्ति मिल जाया करती है। आपने एक श्लोक बोला,
उसमें अंत में एक लाइन कह रही माघ स्नानम दिन नहीं महीना, कह रही महीना दिन नहीं महीना। लेकिन हंस दे हंस दे हंसते हुए अच्छे बहुत लगते हैं। दर्शन दर्शन कर स्नान करना तो बहुत दूर की बात, और क्या दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, वो है गंगा माँ। जैसे आपने पहले चक्र में कहा हमने टोका नहीं क्योंकि हमारी आदत नहीं है। बिल्कुल हम लोग जाज बहुत से आते हैं, उनको ना देखो जवाब लिखा है। बताओ ढोलक मास्टर खोपड़ी हिला रहे, देखो तुम ढोलक बजाओ केवल बस। यहाँ की जनता जनार्दन आपने पहले गीत में कहा कि हर नदी हर तालाब हर सरोवर गंगा गंगा है, गंगा जल है, सिद्ध कर पाओगे ठीक करिएगा करिएगा। और उसका उदाहरण भी दीजिएगा, गंगा जल सदियों तक आप जल रखे रहे उस जल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। जाओ तालाब से पानी निकाल लो और एक हफ्ते में कीड़े ना पड़ जाए तो नाम बदल देना। ओके okay. अरे आरओ की बोतल में कीड़े पड़ जाते हैं 3 महीने के बाद। चलिए ठीक है, आप तरफ से गीत आया है, बढ़िया गीत आया, सुनिएगा। बढ़िया बढ़िया गाते बढ़िया लेकिन ढोलक मास्टर कमजोर है। बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा है। पी गए धोखे में राजा, जल पीने से है हैरानी। भैया कटबीज खुल के नहीं आए, ये बात सही, कटबीज को खुल के आना चाहिए था। जवाब सुनेगा अच्छा लगे, छोटा भाई वहां आपका सुनेगा। गाते बढ़िया हुआ, राजा इल मुगल भैया भगवान भोलेनाथ ने भवानी से कहा कि इस जंगल में जो भी आएगा वो नारी बन जाएगा। राजा इल शिकार खेलने के लिए अपने नौकरों के साथ जब जंगल में पहुंचे तो वो परिवर्तित हो गए नारी में, और जब नारी में परिवर्तित हो गए तो कहना पड़ा क्या, अरे पन में गए, अरे पन में गए, बुद्धि हैरानी ऐसी।
भोला अरे कभी नई काया कभी नई काया कभी पुरानी कभी नई काया नारी के रूप में मिलती है कहीं वही पुरानी काया राजा इल की कभी नई काया कभी पुरानी नौकर भी हो गए नौकरानी छह महाराजा छह महारानी ये छह माह तक राजा रहे और छह माह तक रानी रहे और क्या जवाब बारी अरे राजा से पैदा सुनेगा राजा से पैदा कहना अरे नौकर हो गए कुछ दिन रानी कुछ दिन राजा कुछ दिन रानी छह महाराजा छह इला बने उनकी शादी चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हुई और उन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको कहते हैं पूर्वा भैया कुछ दिन राजा कुछ दिन रानी आपके भारी भरगम कटपीर का जवाब रहा आइए एक गीत और